अंकिता, मैं जो भी कह रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, प्लीज बुरा मत मानना। इसमें मेरी कोई भलाई नहीं है चाचा, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। मैं पहली बार माँ बनने वाली, इससे बड़ी खुशी मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं। मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी, उसे बड़ा करूंगी, उसे उसे बहुत सारी खुशियां दूंगी। हाँ, ये जरूर है कि इस बच्चे के पिता का नाम मैं नहीं ले सकती, क्योंकि इससे एक नहीं तीन तीन जिंदगियां बर्बाद होंगी, जो मैं नहीं चाहती। लेकिन ये बात तय है कि इस बच्चे को मैं दुनिया में लेकर आऊंगी। और शशांक प्लीज, मैं इस बारे में और कुछ बात नहीं करना चाहती। ये बात तय है कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा और इसके खिलाफ मैं कुछ नहीं सुन सकती। अंकिता, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ ना। तुम जो भी करने जा रहे हो, बस एक बार सोच लो, जब ये सच सबके सामने आएगा ना, तो सबकी उंगलियां सिर्फ तुम पर उठेंगी। शशांक, मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी। ये बच्चा मेरा है, मैं इसे बड़ा करूंगी। Just give me 2 minutes. Excuse me. Hello? शशांक, कहाँ हैं आप? मानसी, वो मैं बाहर आया हूँ काम से। मैं फोन करता हूँ वापस। जो भी कह रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, प्लीज बुरा मत मानो। इसमें मेरी कोई भलाई नहीं है चाचा, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, इससे बड़ी खुशी मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं। हाँ, ये जरूर है कि इस बच्चे के पिता का नाम मैं नहीं ले सकती, क्योंकि इससे एक नहीं तीन तीन जिंदगियां बर्बाद होंगी। किरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ ना। तुम जो भी करने जा रही हो, बस एक बात सोच लो, जब ये सच सबके सामने आएगा ना, तो सबकी उंगलियां सिर्फ तुम पर उठेंगी। क्या हुआ मानसी? मानसी, मानसी उठो, उठो मानसी, उठो मानसी, उठो उठो, आप लोग जाइए यहां से। मानसी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? परी, तुम ठीक थी, तुमने सही कहा था, मेरी दाई और शशांक। मानसी, इसका मतलब, मानसी मैंने तुम्हें कहा था तुम इन सब चीजों में मत पड़ो। फिर कैसे ना पड़ू परी? परी मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी अपनी बहन, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। जब तुमने मुझे बताया था कि अंकिता नरेन के बच्चे से प्रेग्नेंट है, तो मेरी भी यही हालत थी। किसी भी औरत के लिए ये एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल है। लेकिन मानसी, तुम्हें खुद को संभालना होगा। तुम सुशांत के बच्चे की माँ बनने वाली हो, तुम पे एक और जिम्मेदारी है। मानसी, तुम्हें खुद को संभालना होगा। तुम जितना इस बारे में सोचोगी, जितना बोलोगी, तुम्हारी टेंशन बढ़ती रहेगी।